वृद्धा पेंशन, बेटियों के लिए छात्रवृत्ति, छात्रों के लिए मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई, कौन सोचता है? आज की स्थिति का बहुत याद आएंगे नेताजी, बहुत याद आएंगे नेताजी, और नेताजी आप बहुत याद आएंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं, बड़ी बड़ी बात करने के बार बार नेताजी पार्लियामेंट में भी बोलते रहे कि पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, हमें चीन से खतरा है, हमें चीन से सजग होने की जरूरत है। लेकिन राजनीति के मैदान में राजनीति की रोटी सेकने वाले जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ करके और हिंदुस्तान के कानून के साथ छेड़छाड़ करने वाले, यही रवैया रही और यही दिनचर्या रही। तो बाबा साहब भीमराव के बनाए हुए संविधान के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है, कोई रोक नहीं सकता अगर यही रवैया रही तो। और बाहर मुलायम सिंह यादव की परख, आदमी इस जिंदगी पर आदमी का जन्म पाया है तो गलतियां उससे होती हैं, वो माने या न माने गलतियां उससे होती रहती है। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने प्रदेश में चाहे देश में, वो रक्षा मंत्री रहे हो तो, मुख्यमंत्री रहे हो तो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए, एक समाज के लिए नहीं, सर्व समाज के हित में सोचा है। आप ही लोग बता दीजिए, आज जो जवानों की लाश आ रही है बॉर्डर पर से अंतिम दर्शन के लिए, मात्र वर्दी और टोपी आ रही थी, नेताजी रक्षा मंत्री हुए तो अपने कलम से उन्होंने लिख दिया कि नहीं, किसी के आंख का तारा चला जाता है, किसी बहन का भाई चला जाता है, किसी माँ का बेटा चला जाता है, और किसी छोटे से दुबले बच्चे का बाप चला जाता है। अरे कम से कम अंतिम दर्शन के लिए उसकी पार्थिव शरीर तो उसके घर पे है, भला कौन सोचता है? दो दिन का शोक फौज में मनाया गया, दो दिन का शोक। मेरी तो बात हमेशा होती रहती है फौजी, हमारे गाजीपुर के पूर्व सांसद और वर्तमान गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा जी का कहना है, अभय यादव किसी पर हट का कल टेलीफोन करके कहा, उसकी आंखें लाल हो गई, उन्हें आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। दोस्तों, मैं राजनीति से प्रेरित कोई बात नहीं करता, राजनीति का सूर्य तो अस्त हो चुका है और हम अंदर से कितना टूट चुके हैं। बनावटी नहीं है मेरे पास कोई शब्द, लेकिन 5 किलोमीटर अंदर चीन की सीमा रेखा घुस करके नेताजी ने और अपनी जमीन पर कब्जा जमाया था, आज घुस करके चीन आकर के हिंदुस्तान में कब्जा जमाए हुए हैं। बड़ी बड़ी बात करने के बार बार नेताजी पार्लियामेंट में भी बोलते रहे कि पाकिस्तान से हमें खतरा नहीं है, हमें चीन से खतरा है, हमें चीन से सजग होने की जरूरत है। लेकिन राजनीति के मैदान में राजनीति की रोटी सेकने वाले जबरदस्ती कुर्सी पर बैठ करके और हिंदुस्तान के कानून के साथ छेड़छाड़ करने वाले, यही रवैया रही और यही दिनचर्या रही। तो बाबा साहब भीमराव के बनाए हुए संविधान के साथ भी छेड़छाड़ हो सकती है, कोई रोक नहीं सकता अगर यही रवैया रही तो। ये नागपुरिया कानून लागू करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, वो नागपुरिया कानून जिसके पार्टी ऑफिस में आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरा जाता, आनंदलाल भाई आज भी तिरंगा झंडा नहीं फहरे, कोर्ट से को मानने वाले लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान ने दे दिया है सत्ता तो ठीक है, हमें उसका अफसोस नहीं है,
लेकिन मुलायम सिंह यादव धरती पर अकेला एक शख्सियत के रूप में पैदा हुए। ऐसा नेता कभी कभी पैदा होता है, हमेशा पैदा ऐसा नेता नहीं होता दोस्तों। हम जितना कहें कम है, ये बनावटी नहीं है। हमारी राजनीतिक जिंदगी, हम राजनीति से जो भी प्रेरित रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह की वजह से। सन 1992 में जब नेताजी ने पार्टी का गठन किया था, राजेश जी आपको ख्याल होगा, उस समय नेताजी ने हमें बुलाया था इटावा में। इटावा होटल था, वहां जाकर के प्रचार करके एक दो दिन रुक करके और हम चले चाणक्य होटल। फिर बिगड़ गया, आज के 35 साल पहले की बात, इनको होटल का नाम भी याद है। लेकिन फिर जब लौट के आए तो हमारे पर बिगड़ गए, तुम चले आए, पैसा वहां रखा हुआ था, तुम पैसा नहीं लिए। हमका नेताजी पैसा नहीं चाहिए, बस साफ साफ स्नेह चाहिए। तो हंसने कहा, देखिए ये हमारे कार्यकर्ता है, गाजीपुर का है, बोल रहा है पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। ऐसे ऐसे लोग अपने खूनों से सींचा है नेताजी ने गरीब गरीब मजरूमों को, वृद्धा पेंशन बेटियों के लिए, छात्रवृत्ति छात्रों के लिए, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई। कौन सोचता है आज कई स्थिति का। बहुत याद आएंगे नेताजी, बहुत याद आएंगे नेताजी, और नेताजी आप बहुत याद आएंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है।